आइटम नंबर 17C द मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 मैं इस उद्देश्य के साथ लेके आया हूँ। देश में 7500 किलोमीटर समुद्र तट है और समुद्र तट पर समुद्र में ट्रैवल करने वाली शिप हो, बड़ी वेसल्स हो, छोटी वेसल्स हो, उसको गाइड करने के लिए लाइट हाउस होता है। और जब लाइट हाउस एक्ट 1927 में बना था, उस वक्त केवल तेल से लाइट हाउस पर दिया जलाया जाता था। और ये जमाने से बना हुआ ये एक्ट, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होते रहे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं। दूसरा उद्देश्य ये है कि जब लाइट उसके लाइट हाउस में तेल के दीवे के बाद इलेक्ट्रिकल आई, इलेक्ट्रिक आई, उसके बाद जीपीएस आए, उसके बाद रडार आए, बीटीएमएस आए, नंबर ऑफ टाइप की टेक्नोलॉजी आई। ये टेक्नोलॉजी को हमें कैसे रेगुलेशन में लाना है और उसको रेगुलेट किया जाए, एक उसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य यह था कि समय बदलते समय में इंटरनेशनल कई टीटी होती रहती है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंटरनेशनल फोरम पर टीटी होती है उसमें इंडिया भी उसमें पार्ट होता है। दुनिया की कोई भी वेसल्स इंडिया में आए या तो इंडिया का कोई भी वेसल्स दुनिया के कोई भी पोर्ट पर जाए तो उसको नेविगेशन एड देना एक कंपल्शन होता है। तो ये जो दुनिया में 1974 में रेगुलेशन बने थे और आईएमओ ने एक गाइडलाइन तय की थी, हमने उसको माना था लेकिन रेटिफाई करना बाकी था। तो इस सब बिल के अनुसार हम उसको रेटिफाई कर रहे हैं। और हमारे जो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस के पास लैंड है और ये लैंड का टूरिज्म पर्पज और व्यू से हम कैसे उपयोग कर सके, ये भी एक हमारा दृष्टिकोण है। ये सभी को लेके एक नया बिल बना के मैरीटाइम एड टू नेविगेशन लेके मैं सदन के सामने आया हूँ। सदन उस पर विचार करे और पारित करे। धन्यवाद।